नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझोगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। वाटर को आदर्श बनाना पहली प्राथमिकता, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने संकल्पित पार्षदगण। भोपाल राजधानी में पार्षद पद की शपथ लेने के बाद पार्षदों ने समय जगत से चर्चा की और बताया कि वार्डों को एक आदर्श वार्ड बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। वार्ड 28 के पार्षद किशन रघुवंशी कहा कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ वार्ड के सभी निवासियों को पहुंच सके, जिसको लेकर वो लगातार काम करेंगे। साथ ही पूरे वार्ड में घर घर तिरंगा फहरे, इसके लिए भी वे लगातार प्रयासरत है। देखिए, बाढ़ की व्यवस्थित योजना बना करके बाढ़ 28 को आदर्श बाढ़ कैसे बनाया जाए, सुव्यवस्थित बाढ़ कैसे बनाया जाए, इसकी ठीक ढंग से प्लानिंग करके विकास के काम को मुहूर्त रूप दिया जाएगा। जैसा आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सभी पार्षद पूरी तन्मयता के साथ अपने अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को नीचे तक उतारने का काम करें, उसी प्रकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो आज आग्रह किया है कि सारे पार्षद जनता के बीच रह करके सेवा के कामों में लग जाएं, उन्हीं भावनाओं को नीचे तक ज़मीन पर उतार करके सरकार की योजनाओं को नीचे उतारना है, योजनाओं का लाभ लोगों को मिले इसकी चिंता करना है, विकास वार्ड का ठीक हो इसकी चिंता करना है और वार्ड 28 को भोपाल का आदर्श वार्ड बना के रहेंगे। निश्चित रूप से आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव पूरे देश में जोश उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा हो, राष्ट्रभाव का जागरण हो, इसलिए ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि इसमें आम लोगों को भी भारी उत्साह है, उमंग है और आम जनता भी अलग अलग विक्रय केंद्रों से जहाँ झंडे मिल रहे हैं वहाँ से तिरंगा लेकर के अपने घरों पर लगाने की तैयारी में लगी हुई है। ये देश के अंदर एक अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा कि जब हर भारतीय के घर पर अपना तिरंगा लग रहा होगा। थैंक यू। वार्ड 18 के पार्षद राजू कुशवा बताया है कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इस पर उनका फोकस रहेगा। मैं वार्ड 18 से राजू कुशवा, मूर्तिकार के नाम से मेरे को पहचाना जाता है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट देकर और आज जो सम्मान हुआ मेरा, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं। बाइट के मांग 18 के अंदर जो भी समस्याएं होंगी, पानी, नल और विधवा पेंशन होंगी और जिसको अनाज नहीं मिल रहा होगा, जिसका मकान नहीं होगा, उसके लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। वार्ड 61 के पार्षद मधु शिवनानी ने भी वार्ड को बेहतर बनाने और वार्ड के रहवासियों को शासन की योजनाओं के साथ ही अन्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए वो लगातार वार्ड में काम करेगी। नहीं, वार्ड अपना अच्छा है। बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे अब आप? वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए क्या प्राथमिकता? स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए सड़कें, नाली, बिजली ये, और महिलाओं का महिलाएं बाहर आएं, अपने उसमें राज्य की या शासकीय कार्यक्रम में भाग लें, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का हमारा ये है। घर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की पहल करने जा रही हैं आप वार्ड? जैसे कि बोलते हैं जिस देश हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, अब से हमें ये बोलना है हम उस देश के वासी हैं जिस घर हर घर घर में तिरंगा लहराना है। तरह का अभियान आप वार्ड में चला रही हैं, तिरंगा क्या आप खुद से देंगी? आपसे खुद से कुछ देंगे, कुछ कार्यकर्ता लेके दे रहे हैं, कुछ पड़ोसी अपने आप लेके लगा रहे हैं तिरंगा, अभी तिरंगा अभियान के उसमें बारे में है। आपके वार्ड के रहवासी, उनको क्या कुछ संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? वार्ड के रहवासियों के आशीर्वाद इसने से मैं आज यहाँ तक पहुँची, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वार्ड 61 की पार्षद जिन्होंने बताया कि अब वार्ड का विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे, समय जगत, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।